तो ये तो आपने सुना कि हिंदू पक्ष क्या कह रहा है अंसार को लेकर ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा। उधर मुस्लिम पक्ष मानता है कि अंसार को फंसाया जा रहा है ऑन कैमरा। उनकी दरिया दिली की कई कहानियां इलाके के लोग सुना चुके हैं, लेकिन क्राइम की दुनिया से अंसार का नाता पुराना है। उस पर कई केस दर्ज हो चुके हैं। अंसार का चाकू के साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथ में गड्डी है, सोने की चेन पहना हुआ है, अंगूठियां पहना हुआ है। जब छिपे हुए कैमरे पर एबीपी के रिपोर्टर्स ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से इस वीडियो का जिक्र किया तो एक और सच सामने आया, वो सुनना आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा। सुनिए आप, देखिए। वो लड़ाई से पहले, वो किस दिन का? उसी दिन का, सुबह का, जब पैरा लेने निकला था 11 बजे। हाँ, उसी समय का। तो वीडियो उसी दिन का? उसी दिन का। तो तुमको फंसाया क्यों? किनको? उनको फंसाया क्यों जा रहा? वो लोग क्यों फंसा रहे फिर? अरे जब जो फंसाएगा वो तो जानता है अंसार को। अंसार तो मोहल्ला पे फेमस है। तो अंसार भाई तो मोहल्ले में फेमस है। तो आपने हिंदू पक्ष भी सुन लिया और मुसलमान पक्ष भी सुन लिया। अंसार की गिरफ्तारी के बाद उसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें वो सभी आम आदमी पार्टी के साथ, मतलब सभी राजनीतिक दलों के साथ दिख रहा है। कभी आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए दिख रहा है तो कभी बीजेपी की। राजनीतिक दलों में भी अंसार को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं कि राजनीतिक टोपियों के पीछे अंसार का आखिर असली खेल क्या है। का तुम देख लो, उसका हर पटेले वो मनोरंजन है। उसका झाड़ू में फोटो है, झाड़ू का कांग्रेस में है, बीजेपी में है, हर फोटो मिलेगा। हाथी घोड़ा सब, वो हर पार्टी में जाता था, भीड़ लेके मनमोजी बनता। अरे वो रॉबिन हुड टाइप का था। आप बीजेपी ने आपसे पैसे लाके सबको बांट दिया, सबको बांट दिया, कांग्रेस से पैसे लाके सबको बांट दिया। मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अंसार को फंसाया गया, तो हिंदू पक्ष के लोग कहते हैं कि अंसार मासूम नहीं है, जहांगीरपुर हिंसा का विलेन वही है। मस्जिद में मौजूद लोग भड़के तो इसके पीछे अंसार ही था। अगर अंसार ना होता तो हिंसा शायद होती ही नहीं। लड़ाई की शुरुआत उसी ने की। हाँ जी, उसी ने, पता नहीं वो हमारे जो यही होंगे, वो सुरेश सरकार जी। हाँ, उसी ने किया। तो उसने बोला था रैली यहाँ से मत ले जाओ बस ये। तो उसने, इन्होंने बोला अंसार को, अंसार भाई रैली जो भी है लेडी को लेडी, अपना जो रैली है, रैली है जो, उसको निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं, सारे भाई भाई है। तो उसने धमकी उल्टा दे दिया कि यहाँ से निकलेगा तो आगे जाके देख लो क्या होगा। जहांगीरपुर हिंसा के अगले दिन से ही अंसार के सोशल मीडिया अकाउंट से तरह तरह की तस्वीरें सामने आई जो ये बयान करती हैं कि ये कितना शौकीन किस्म का इंसान रहा है। सोने की चेन, मोटी मोटी अंगूठियां, महंगी गाड़ियां, पार्टियों में शराब के साथ अंसार की तस्वीरें जमकर वायरल हैं। जब मीडिया ने ऑन कैमरा अंसार के मोहल्ले वालों से बात की तो पता चला कि इस इलाके में उसका कितना दबदबा है। हर कोई उसे रॉबिनहुड की तरह कह रहा है। कोरोना काल में उसके दान पुण्य का गुणगान गाया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा था कि एक मोबाइल की दुकान लगाने वाले अंसार के पास आखिर इतना पैसा आया कहां से। छिपे कैमरे में लोगों ने बताया कि दरअसल अंसार की एक और दुनिया है, वो दुनिया जहां वो जुआ और सट्टा खिलाकर तहबाजारी कर नोट छाप रहा था। बात तो ये है जी, वो जुआ खिलाता है, सट्टा वगैरह जुआ खिलाता है, पैसे देता है लोकल माफिया डॉन टाइप का है। नहीं 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 नहीं, डॉन टाइप का नहीं, वो तो हफ्ता देता है पुलिस वाले। लॉकडाउन में कम से कम लाख तो काहे का हफ्ता देता है भाई, जुआ खिलाता है ये चौक पे। हाँ जी, सुन रहे हैं लोगों को, जुआ खिलाता था, सट्टा खिलाता था, तहबाजारी करता था और इसीलिए इतना पैसा आता था, जिसका गुणगान लोग कर रहे हैं कि साहब बहुत बड़े दिल का इंसान था। तो बड़ा दिल तो हो ही जाएगा जब आप हफ्ता वसूली करेंगे। अंसार के दो चेहरे क्यों सामने आ रहे हैं? एक तरफ तो वो मुसलमानों की तरह हिंदुओं की भी मदद करता था और दूसरी तरफ उस पर भड़काने का आरोप भी लग रहा है। दरअसल इलाके के हिंदुओं का मानना है कि अंसार की मदद के पीछे उसका स्वार्थ था, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी।
लोगों का कहना है कि अंसार जो था वो हिंदू मुस्लिम दोनों की मदद करता था। नहीं वो राजनीति में उतरना चाहता था ना, इसलिए थोड़ा बहुत तो दिखाना भी पड़ेगा। माफिया टाइप का माफिया है ये। अब तो राजनीति दिख ही रहा है, BMW कार पे कैसे स्टाइल से फोटो है, गले में इतनी, हमारे पास तो एक अंगूठी भी नहीं है, उनके पास तो मोटे मोटे चैन है। ABP News आपको रखे आगे।